बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इससे जानते क्या है, इससे ये भी है कि जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपके रिज्यूमे तो कुछ इसका आइडिया भी नहीं था, हमने तो वो भी नहीं पता, वो भेजे थे लेकिन हम डाउनलोड करके देखे नहीं, तो उनकी बातों पर आ गए, फिर हमने कहा अंकित अगर वहाँ मुझे मेन पापा का है जाने दो, बच्चे जिस लाइन में जा रहे हैं जो कर रहे हैं वो करने दो, कहीं भी सफल हो कहीं भी। हाँ, अरे ये सब मत पूछो। पर नहीं सर, सर हम नहीं बच सकते, वी कांट सर, हम रह यही रहे, हम आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब आपको बताएं, अभी आए हैं अभी दिल्ली से। अच्छा, ये सब मन की एक सोच है, इतनी महंगी महंगी। और ये अमन गांधी का ये हम लोगों को इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें कोई साइड ड्रेस नहीं थी। पापा के लिए अकेले रह के काम करना, खुद से सारा काम अपना बनाना खाना, मतलब उनकी चार पांच नसें। जैसे ये ट्रिपल आईटी गुवाहाटी गई थी तो उसने इसने एक पहना हुआ था, स्कर्ट पहनी थी, ज्यादा नहीं नीलन थी, पेपर के फ्रंट पेज में एकदम इतना बड़ा फोटो माइक लेके कहना अपना एंजॉय करना, ये सब सारी चीजें बहुत कम है। लेकिन बेटियों का माँ बाप के लिए हमेशा खुद में नहीं लेकिन मम्मी पापा का हर टाइम। तो मेरे दादा ने इतना सपोर्ट किया कि वो 1990 से पार्लर मम्मी का रन हो रहा है और आज तक हो रहा है, अभी हो रहा है, बहू आ गई उनकी तो भी उनका। मम्मी को मत देखिए, वो मुंह खोलो, वो डर ना ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल मीठा पसंद ही नहीं किसी। जी आप किसी फैशन डिजाइनिंग में चले गए, आप किसी प्रोडक्शन हाउस में चले गए? अपार्ट फ्रॉम दैट जो बड़े बड़े आईटी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी पीडीपी के लिए। हाँ हाँ, नहीं तो उनके और आप लोग के फैमिली मेंबर्स क्या नहीं रहते, जैसे ताऊ चाचा? यू आर वेल नोन विद दैट कि हम में सपोर्ट जो मेन करते हैं वो हमारे पेरेंट्स ही करते हैं, हम डिपेंडेंट कम्प्लीटली उन्हें। इतनी खुशी है आपको? नहीं, खुशी है बहुत है, और आइडल इंसान उसे ही मानता है जो हर प्रॉब्लम का सलूशन दे, जो इंस्पिरेशन दे, जो मोटिवेट करे, तो बस वही किया उसे हमेशा। कई सारे कॉम्पिटिशन्स थे जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी लेकिन कुछ रीजंस थे जैसे शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह, तो हम सोसाइटी जिससे बिलोंग करते हैं वो अलाउ नहीं करती, जब सब खुश रहेंगे तभी हम भी खुश रहेंगे, मानी हुई बात है, हम सोसाइटी रिश्तेदारों सबसे हैं, तो बस वही सारी बातें हैं कि ठीक है वेट करो, अच्छा कॉम्पिटिशन मिलेगा जिसमें तुम्हें ड्रेसेस ऐसी नहीं पहननी होंगी जो तुम्हें आगे लेके जाएगा, तो वो इस बार उसे मिला। अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है सच में, उसमें हर लेवल की फैमिली की गर्ल्स आगे पार्टिसिपेट कर पाती हैं क्योंकि सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को रिस्ट्रिक्शंस हों, तो बहुत ही अच्छा लगा आगे आई। अच्छी है सर, गूगल पे नाम होना एक बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले चेक किया कि इसके क्या रूल्स हैं, किस तरह से हमें इसके लिए अप्लाई करना है, तो मैंने देखा यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ड्रेसेस नहीं थी, आप एक ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के अपना टैलेंट दिखा सकते हो, अपनी स्पीच बता सकते हो, जिस बारे में आपसे पूछा जाए आप सारे टैलेंट इसमें बता सकते हो, इसलिए मैंने इसके लिए अप्लाई किया। और इसके पहले मैं 2-3 बार कॉम्पिटिशन जीत चुकी थी, इससे मुझे इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट मिला ताकि मैं अप्लाई कर पाऊँ। और यहाँ पे 35 लोगों को सिलेक्ट किया गया था इंडिया से, हर स्टेट से, और कई स्टेट से 2 लोगों को, उसके बाद फाइनल राउंड 15 हुए हैं, फाइनल में 15 लोगों को सिलेक्ट किया गया है जिसमें से उनका टैलेंट देखा गया और इस बेसिस पे मुझे विनर का अवार्ड मिला, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसके लिए, और मैं इसके जीतने के बाद मुझे चांस मिला कि मैं पेरिस में मिस वर्ल्ड के लिए अप्लाई कर सकूं, जिससे मैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वो मुझे इसके लिए स्पॉन्सर्ड करें आगे जाने के लिए, और ताकि मैं अपने देश को और प्रदेश का नाम रोशन कर सकूं जीत के। यही है कि मैं मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड बनूँ, उसके बाद उसके थ्रू मैं कोशिश करूँगी बॉलीवुड में या मूवीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए, अपने मम्मी पापा का सजेशन कौन पसंद।